कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और आज हम लोग जो है वो फाइनली आ चुके हैं इम्तियाज़, बहुत ही ज़्यादा टाइम निकालने के बाद। और इस बार हमारी जो ग्रॉसरी है वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई, तो पर हम लोगों ने कहा आज जैसे ही सुबह हुई हम लोगों ने बस फटाफट से नाश्ता किया, जल्दी निकल गए ताकि हम लोग टाइम से ग्रॉसरी ले लें और फारिग होकर हम लोग आ जाएँ। क्योंकि हमें घर आके भी थोड़ी बहुत हमारी प्रिपरेशन रहती थी, क्योंकि इस बार हम लोग बहुत ही ज़्यादा स्लो जा रहे थे क्योंकि घर में थोड़ा काम था, जिसकी वजह से हमारी जो सारे रमदान की प्रिपरेशन है वो थोड़ी लेट हो गई थी। कोई बात नहीं, कभी आपके साथ ऐसा होता भी है। तो बस यहाँ पर जो है वो मामा मीट वगैरह ले रही थी क्योंकि रमज़ान में कीमा वगैरह और ये सारी चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं, तो मामा इसलिए पहले इसको ले लेती हैं ताकि बार बार बाहर जाना ना पड़े। और यहाँ पे जो है हमें लगा था कि आज बहुत ज़्यादा रश होगा, पर इतना रश नहीं था क्योंकि आज फ्राइडे था इसलिए, वरना हमें तो लगा था कि बस आज तो बहुत ही मुश्किलों से ग्रॉसरी मिलेगी, बहुत ज़्यादा रश होगा। पर हमने बहुत ही कंफर्टेबली जो है वो ग्रॉसरी कर ली और जल्दी हम लोग फ्री होने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जब आप ग्रॉसरी करने जाओ तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ से जो है वो मैंने थोड़ी बहुत क्रॉकरी भी ली थी, तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। तो मैंने आपके साथ सारी अपनी होल ग्रॉसरी शेयर की है, जो मैंने क्रॉकरी ली है वो भी शेयर की है, तो आप लोग ज़रूर एंड तक देखना। तो जी, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे हम लोगों ने सारा सामान वगैरह लिया और बिल्कुल रश नहीं था। पर जब हम वापस आने लगे थे ना, तो उसके बाद जब नमाज़ हो गई थी तो उसके बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा रश हो गया था, और तब तक हमारी जो ग्रॉसरी है वो हो गई थी। तो मतलब इस टाइम पे निकलने का हमें बस ये फ़ायदा हुआ कि हम लोगों ने बस जल्दी जल्दी ले ली और हमें इतना रश भी नहीं मिला, और बहुत अच्छे से हमने सारी शॉपिंग और अपनी जो ग्रॉसरी है वो ले ली। तो जी, यहाँ पे हम लोगों ने जो ग्रॉसरी है वो थोड़ी ज़्यादा कर ली थी क्योंकि हम लोग 2 मंथ्स नहीं आएंगे, ज़्यादा हमने ग्रॉसरी ले ली थी। हमारी जो ट्रॉली है वो 2 हो गई थी, तो इसलिए हम लोगों ने ज़्यादा ग्रॉसरी कर ली ताकि ईद के बाद भी हमारी जो चीज़ें हैं वो काम आ जाए, हम लोगों को बार बार हमें जाना ना पड़े, ये ईजी हो जाता है, एक बार ही ले लो। एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो जी, आज हम लोग करके आए थे ग्रॉसरी रमज़ान की, तो मैंने कहा आपको सबसे पहले दिखा देती हूँ कि क्या क्या लेके आए हैं हम लोग। ये कुछ कोल्ड ड्रिंक्स लेके आए हैं क्योंकि ज़रूरत होती है इफ्तारी के बाद भी, अगर दूध सोडा बनाना हो तो वो भी उसमें भी यूज़ हो जाती है, तो बाहर लेके लेने जाना नहीं पड़ता। और ये हमने पाकोला जूस लिया है, आटा लिया है, चीनी लिया है, घी लिया है, वही बेसिक सारे सामान जो कि बहुत ज़्यादा घर में ज़रूरत होती है। बाकी ग्रॉसरी जो है वो मैंने कहा आपको अब दिखा देती हूँ, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं ग्रॉसरी दिखाना। तो जी, सबसे पहले आता है बेसन, जो कि रमदान में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं पकौड़ों के लिए और दही बड़ों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो मामा ने जो है वो 3 पैक ले लिए हैं ताकि हमारा ख़त्म ना हो, क्योंकि हमारे घर में सबके घरों में पकौड़े सब बहुत खाते हैं, तो बनते ज़रूर हैं, तो इसलिए हम लोगों ने जो है वो ले लिए बेसन 3 पैकेट। और नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमने लिया है मैदा पूनम का, कोई अगर हमें कुछ बनाना हो तो हम वो बना सकें, तो हम लोगों ने ये लिया है मैदा, जिसके भी मामा ने 4 पैकेट ले लिए ताकि आसानी हो जाए, तो हम लोग ज़्यादा ही ले लिया। तो मामा ने यहाँ पे लिए हैं 3 पैकेट चार पैकेट हैं मैदा के। और यहाँ पे हमने लिए हैं नूडल्स। वैसे आज इम्तियाज में इतना रश नहीं था ना मामा, आज जुम्मा था लेकिन जब हम आ रहे थे उस वक्त इतना रश था। और वहाँ पे तो इस तरह था कि बस वहाँ पे बोला कह रहे थे कि सेल लगी है, जाने दो। सेल लगी है और ट्रॉलीज पर भी लड़ाई झगड़े हो रहे थे, तो हमारी जो है वो ट्रॉलीज 2 हो गई थी क्योंकि सामान काफी ज्यादा था, कुछ हम लोगों ने लाना था ज्यादा सामान, तो इसलिए हमारी ट्रॉली 2 हो गई थी। वो सारे कहते आप ट्रॉली अपनी सामान निकालेंगे, आप हमें दे देना। उधर तो ऐसा लग रहा था कि सब कुछ मुफ्त का बट रहा है। खैर, तो आज इम्तियाज में हमें इतना रश मिला नहीं क्योंकि आज फ्राइडे था, शायद इसलिए, वरना तो बहुत ज्यादा वहाँ पे रश होता है। लेकिन आफ्टर नमाज हो गया था रश बहुत। हाँ, आफ्टर नमाज हो गया था रश, तो बस आज हम लोग ऐसे थक भी बहुत गए। तो मैं आपको ग्रॉसरी दिखाती हूँ, ये हम लोग लेके आए हैं नूडल्स, और क्योंकि ये सबकी फेवरेट हैं, और ये हम लोग लेके आए हैं तुक मलंगा कहते हैं मामा इसे। ये तुक मलंगा जूस वगैरह के लिए जो है वो यूज होता है, रोज़ा में भी ऐड हो जाता है। और ये है चाट मसाला, जो कि फ्रूट चाट के लिए यूज होता है, ये लिया है। और फेवरेट जामशी, जो कि ये तो ज़रूरी चाहिए होता है रमज़ान के लिए, तो ये जामशीरी लिया है हम लोगों ने। और ये है विनेगर, और ये है ग्रीन क्विज, जो कि मामा को अच्छा लगता है ना काफ़ी ज़्यादा,
तो ये बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। हमने ये ड्रिंक की क्विज ले लिया है और मामा थोड़ा पीछे करती जाए ना। और ये हमने लिए पिंक सॉल्ट, ये मलका वालों की फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, वरना हम लोग मामा कौन सा लेके आते हैं, शान और उसका खत्म था, नेशनल का, नेशनल का वहां पे बिल्कुल फिनिश था, ये न्यू ब्रांड था, मैंने कहा चलो ये ले लेते हैं। मलका ब्रांड है तो हम फर्स्ट टाइम यूज करेंगे इसका पिंक सॉल्ट, पता नहीं कैसा होता है वो वाले, तो जो हम लोग शान का यूज करते हैं वो तो बहुत ज्यादा अच्छा है, तो ये हम लोगों ने फर्स्ट टाइम लिया है। और यहाँ पे मैंने लिए बिरयानी मसाले, क्योंकि रमजान में बिरयानी तो जरूर ही बनेगी, तो मुझे मेहरान के बिरयानी मसाले बहुत पसंद है, शान से ज्यादा मुझे मेहरान के अच्छे लगते हैं, कभी कभार मिलते नहीं है ये इजिली, तो इसलिए मुझे आज मिले तो मैंने इसको दो ले लिया। मेहरान का टेस्ट अच्छा होता है, इनका टेस्ट वाकई इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, तो मैंने ये लिया। और बाकी मैंने लिए हैं बिरयानी राइस, और बिरयानी राइस ये पूनम वालों के बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, पूनम वालों के बिरयानी राइस लिए हम लोगों ने, ये बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, तो दो पैकेट हम लोग ने ले लिए। कितने में है, 1 kg का पैकेट? 1 kg का पैकेट, हाँ 1 kg का पैकेट, तो आई थिंक 2 kg। वैसे चावल तो हमारे पंजाब वाले बहुत ज्यादा पड़े हुए हैं, हाँ हम लोग पंजाब से भी चावल लेके आए, पुलाव के लिए वो यूज कर लेते हैं, और बिरयानी के लिए तो स्पेशल राइस होने ही चाहिए, तो इसलिए हम लोग ने बिरयानी के लिए ये लिए हैं। और मैंने ये लिए सीलिंग रैप, मेरे पास थी, मैं लास्ट टाइम लेके आई थी मेट्रो से, पर मुझे चाहिए थी ये ना थोड़ी फिनिश होने वाली है, क्योंकि ये काफी ज्यादा यूज होती है लिड लगाने के लिए, और फ्रिज में जो चीजें रखनी होती है उसके लिए तो ये काफी ज्यादा यूज होती है, तो इसलिए मैंने इसको ले लिया, एक ये ले लिया रैप। और यहाँ पे हमने लिए हैं डिश वॉशर लिक्विड बर्तन वगैरह धोने के लिए, और अब तो वैसे ही माहे रमजान है तो बर्तन बहुत ज्यादा होंगे, तो ये लिक्विड लिए हम लोगों ने सिंपल से। और ये है हमने कोलगेट वालों का टूथपेस्ट, और ये मामा ने लिए है कलरफुल शीट्स, जो कि मामा कह रही है कुछ डेकोर करेंगे, कुछ लिखना है आई थिंक, मामा कह रही थी पहले मैं बहुत लेके आती थी जब मुझे ड्राइंग करने का बहुत शौक था, तो मेरे पास ये बहुत होती थी, तो इस बार हम लोगों ने मामा ने इम्तियाज से ले ली कि हम लोग कुछ डेकोर करेंगे इन शीट्स के साथ, तो ये हम लोगों ने एक पैक ये लिया है। और दालों में कंफ्यूज है कौन सी दाल है मामा, मूंग की दाल, ये है मूंग की दाल, और ये हमने लिए है सूजी, ये हमने सूजी ली है, और ये है मूंग की दाल, ये है साबुत जीरा, और ये है व्हाइट मिर्च। व्हाइट मिर्च मुझे किस में डालने के लिए चाहिए थी, मुझे घर में फिनिश थी तो इसलिए मैंने ये व्हाइट मिर्च भी ले ली, हाँ व्हाइट पास्ते में यूज होती है याद आ गया, तो ये व्हाइट मिर्च मैंने नहीं, ली अभी है, ये पड़ी हुई है बल्कि मुझे नहीं मिली थी, है पड़ी हुई अभी, अच्छा तो मैंने एक्स्ट्रा ये भी ले ली। और ये है क्या कहते हैं मम्मी से, आलू बुखारे, ये है आलू बुखारे, और एक शॉपर मैंने खोला ही नहीं है, और ये है व्हाइट चने, मैंने हाफ तो जो एक पैक है वो घर में बॉईल करके रख लिया, पर मामा ने कहा कि कुछ जरूरत हो सकती है, ईद के बाद भी चल जाएंगे ना, दोबारा वीक के बाद इतनी जल्दी थोड़ी जाएंगे ग्रोसरी करने, तो मामा ने कहा कि नीड होगी तो ये ले लेते हैं एक्स्ट्रा, तो ये मामा ने ले लिया। और ये है कौन सी खिचड़ी वाली दाल, खिचड़ी वाली ग्रीन दाल, ग्रीन दाल ली है मामा ने ये, और हमने लिए है चने की दाल छानी, ये आई थिंक यहाँ ये फट गई थी उस वक्त जब वो कर रही थी ना बिगिंग, वो ऐसे इसके अंदर ही रख दो, वैसे इतना तो बेचारी क्या करती फेंकती वो, हाँ तो ये चने की दाल ली है हम लोगों ने। वैसे हम शामी कबाब इस बार हमने बनाए नहीं, क्योंकि हम लोगों को दिल नहीं था इस बार बनाने का, वरना मामा तो कहती बना लेते हैं। और ये हम लोगों ने लिए है खजूरें, वहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छी मिल रही थी, तो मम्मा को ये बहुत अच्छी लगी, मामा ने जो है वो 2 pack ये ले लिए खजूर, अच्छी लगी है, हाँ तो ये वहाँ पे बहुत वेरायटी है इम्तियाज में ये खजूरों की, बहुत ज्यादा लगी हुई थी ना मामा, तो ये बहुत अच्छी लगी मामा को, तो मामा ने ये ले ली रमजान के लिए। और ये तो हमारा नाश्ता वगैरह तो पीछे कर ले, और इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, रख दो ये और ये हमने लिया है रेड चिली पाउडर, ये है रेड चिली पाउडर, ये है पिंक सॉल्ट, वैसे कि हमने 2 pack ले लिए ताकि फिनिश ना हो, तो हमने ये ले लिया। और ये है हमने लिया है क्लोथ कंफर्ट, जो कि इस प्रेगनेंस के लिए होता है कपड़ों के अंदर, तो कपड़ों के अंदर डालते हैं, तो मामा ने ये लिया है, और छोड़ दें थोड़ा वो आगे करने सामान, ये तो हमारे स्नैक्स पीछे कर देते हैं, जीरो 2 packets, हाँ और जीरा हमने 2 packets ले लिया था, और ये हैं
और ये हमने लिया है बाथ जेल, बॉडी वॉश लिया है हमने टू, तो ये वो हो गया। और हाइकनिंग के लिया है जो मैं उसके लिए लाइट मंगवाई है ना, तो वो उसके अंदर ये सेल ऑपरेटिव भी है और कनेक्टर भी लग सकता है। तो हाइकर कहती है क्या पता मैं सेल लगा के देखूं, तो शायद वो सेल लगाए या फिर वो कनेक्ट करे। वो उसने इसने अपने लिए लिए हैं ये, और ये हमने लिए है ट्राइडेंट, और ये मामा खाती हैं वीटेबल, मामा के फेवरेट हैं ये मोस्ट, तो इसलिए मामा ये अपने लिए लेके आई हैं। और ये जो है वो किचन क्लीनर बहुत ज़रूरी होता है स्टोव क्लीन करने के लिए, वरना हम धोते धोते रह जाते हैं। तो ये आप जैसे स्प्रे कर दो तो आपका स्टोव क्लीन हो जाता है, सफाई के लिए बहुत आसानी होती है। खसूसन तुम्हारे लिए लाई हैं ये टाइल साफ करने के लिए, तो ये टाइल्स के लिए होता है, इससे बाथरूम बहुत अच्छा साफ हो जाता है। तो ये मामा कह रही कि टाइल्स के लिए गिफ्ट दिया है मुझे इसको टाइल्स के लिए। क्यों मामा यही गिफ्ट देना था आपने मुझे, टाइल अच्छी साफ करना ना। नहीं पर ऐसे तो मत करें ना, ये अगर गिफ्ट हो गया तो बस फिर तो गिफ्ट पे शर्म आ रही है मुझे मामा, ये गिफ्ट नहीं होना चाहिए। खैर तो ये हमने ये लिया है हार्पिक वालों का, और वो जो ग्रीन वाला है वो तो आई थिंक था, तो इसे हमने लिया नहीं क्योंकि हम लोग ग्रॉसरी करने जाते रहते हैं वो मार्ट वगैरह, तो इसलिए हमारी जो बेसिक चीजें थी हमने सिर्फ वही ली हैं। और ये तो मैंने आपको दिखाया, ये क्लीनर है सारे, और ये हमने सारे सर्फ लिए हैं वहां पे। वो मामा हम लोग ने ब्राइट लिया था, वो क्या कहते हैं अंकल, वो एक अंकल आए वो कहने लगे ये कास्ट सोडा है सारा ना, ये चेंज कर दो। हाँ उन्होंने, हालांकि हमने ब्राइट लिया था क्योंकि हमें उसकी ना फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लगती है, तो उन्होंने ना हमारी ट्रॉली में देखा तो कहा कि ये मत लें ये अच्छा नहीं होता, तो फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं, अच्छा है ब्राइट सही रहता है। हाँ, हमें तो अच्छा लगता है, लेकिन पिछली बार हमने रेन यूज किया था वो ज्यादा अच्छा था। हाँ रेन बहुत अच्छा है, तो इसलिए फिर हम लोग ने एक बोनस ले लिया, एक सर्फ एक्सेल लिया, अच्छी वैरायटी हम लोगों ने इकट्ठी कर ली है। तो एक रमजान जाना नहीं पड़ेगा ना बाहर, ये मसला है ना। तो एक हमने लिया है सनलाइट, तो ये अच्छा खासा हमने जो है वो सर्फ का स्टॉक जमा कर लिया है क्योंकि कपड़े धोने होते हैं। और ये हमने लिए हैं क्या, बादियान के फूल। हाँ ये बादियान के फूल, और ये किसको क्या कहते हैं, जायफल। जायफल ये तो मामा के मसाले हैं सारे। और ये हाइकर ने हम लोगों ने लिए हैं बिस्किट चाय वगैरह के साथ, और ये है मॉस्किटो लिक्विड, और ये है पुलाव क्यूब जो कि मैं बहुत जरूर डालती हूँ पुलाव के अंदर, बहुत अच्छा बनता है, तो इसलिए मैंने पुलाव क्यूब्स लिए हैं। और ये है मामा ने लिया है अके गुलाब आइस ड्रॉप जो है वो, और जो मैं जिस चीज के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ ना वो आपको मैं दिखाती हूँ, मैंने लिया है कुछ क्रॉकरी, वो उसकी अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगी क्योंकि उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो मैं चाहती हूँ आप लोगों को भी बिल्कुल अच्छे से दिखाऊं और आपको भी समझ आ जाए कैसा है कैसा नहीं, क्योंकि मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ। चले जी अब आपको मैं दिखाती हूँ अपनी थोड़ी बहुत क्रॉकरी। तो जी यहाँ पे मामा आपको दिखाएंगी क्रॉकरी क्योंकि उनको ज्यादा पता है, पर ये जो नीचे वाला बैग है ना ये मैंने पसंद किया है तो मैं आपको बताती हूँ। और यहाँ पे ना मेरे क्या कहते हैं वीडियो में इतने ब्लैक हाथ आ रहे हैं, मैंने अभी वीडियो देखी है पर अब मैं ग्रॉसरी दोबारा नहीं बता सकती थी, तो मैंने कहा आपको मैं ऐसे ही बता देती हूँ। मेरे हाथ ना मैंने दरवाजे पर पेंट किया था ब्राउन कलर का, क्योंकि हमारा जो पेंट वाला वो बहुत ही ज्यादा माशाल्लाह था और उसने अपना काम पूरा नहीं किया, मैं आपको सही से बताती हूँ ना, उसने अपना काम पूरा नहीं किया जिसकी वजह से हमें उसका काम सर अंजाम देना पड़ा, तो इसलिए वो ब्राउन कलर था जो कि मैंने ग्रेड पे जो किया है अपने, तो वो ब्राउन कलर था और वो ऑयल पेंट था तो हाथों से वो जा नहीं रहा, तो वो आराम आराम से जाएगा तो फिर हाथ साफ हो जाएंगे, तो मैंने ये बात बतानी थी ये बता दी। अब मामा आपको दिखाएंगी क्रॉकरी कि हम लोगों ने क्या क्या बाय किया है। रमजानुल मुबारक है, उसमें नए नए बर्तन इस्तेमाल करने का मजा ही अलग है, मुझे तो लगता है उसके स्वभाव ये बाउल लाए हम के जैसे फ्रूट चाट बनाने के लिए, दही बड़े बनाए फ्रूट चाट बनाए, बहुत प्यारे लगे मुझे ये दो बाउल लिए हमने, बहुत प्रिटी है बहुत प्रिटी, और ये हैवी भी काफी ज्यादा है, ये अच्छे हैवी है और अच्छे बहुत अच्छे हैं। ये कप चाहिए चाय के लिए न्यू, इसका डिजाइन देखे कितना प्रिटी है, कितने प्यारा डिजाइन है इसका। तो हम तीनों ने एक जैसे लिए क्योंकि हम तीनों एक जैसे ही मग यूज करती हैं, तो हम लोगों ने वो लिए, और ये हम लोगों ने बोल लिए। ये बॉल्स बहुत महंगे पड़े, ये बहुत एक्सपेंसिव है, मुझे ये मेरी गलती की वजह से हमें बहुत एक्सपेंसिव पड़ा, मुझे लगा था कि ये तीन जो है वो कितने के थे मामा, कह रही मामा ये तीन जो है पता नहीं 300 and something हाँ 349 अगर 120 का भी होगा तो अच्छा है, बट ये 1000 से भी ऊपर के पड़े हैं मुझे तीन, सिर्फ 3 balls
6 रिबर्स पर ये प्रिटी है कोई बात लेकिन नहीं। प्यारे हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है, जबरदस्त है। लेकिन ये कि धोखे में आए हैं ये। हाँ एक्सपेंसिव है थोड़े पर अच्छे हैं। और ये है बहुत ही बड़ी चीज़। मोस्ट मोस्ट फेवरेट थिंग ऑफ मुजेब। इसको बहुत अरसे से मुझे कह रही थी कि मुझे ना मामा ये लेकर दें। बेसिकली आप बता दें कि ये है क्या प्रॉपर, उनको भी पता चल जाए कि ऐसे हम लोगों ने उसको वो बनाया हुआ है। अब सही से बताएं क्या है ये? पॉट सेट है, तीन पॉट हैं, 3 पॉट सेट है और ये सोनेक्स का है। इसके साथ बस 8 पीसेस का है, ये 2 पकड़ने वाले हैं ना। ये इसका जो वो होता है ना हैंडल, जो गर्म हो जाए तो आप उसको इजीली होल्ड कर सको। साइजेस में आपको दिखाते हैं, ये सबसे छोटा साइज ये है। ये देखिए कितना प्यारा है, ये इसकी लिड है, कितनी प्यारी, ये इसकी लिड है और अच्छे खासे ये हैवी हैं। इस पर आप कोई अच्छा सा डिज़र्ट बना सकते हो, इसके अंदर इनफ होगा। इसमें जिनकी छोटी फैमिली है हमारे लिए तो इनफ है, तो इसमें बंदा डिज़र्ट बना सकता है। और वो दिखा रहे मामा, ये मामा पकड़े हैं आप जरा, ये लगा के दिखाती है ना। हाँ और ये है इसका सेकंड साइज, इसमें आप सालन भी बना सकते हो। कितना अच्छा और आइडियल साइज है इसके। तो ये हमें, मुझे काफ़ी टाइम से लेना था। इसमें जो है वो रेड कलर भी होता है, पर जब मैंने लेना था तो उसमें रेड कलर था ही नहीं, तो मैंने कहा कोई बात नहीं लेना तो है, आप मुझे ब्लैक की दे दो। क्योंकि इसने सोचा कि मम्मा गनीमत है कि मम्मा एग्री हुई है लेकर देने के लिए। इसने ये सोचा कि इसने कहा भाई रेड नहीं है तो ब्लैक ही दे दो। हाँ मैंने कहा आप दे दें, बस आप दे दें। पहले मुझे एक कढ़ाई अच्छी लगी थी, उसके साथ जो है वो 2 चम्मच थे खाना बनाने वाले, और उसका जो साइज है वो काफी बिग साइज था। जो कढ़ाई मुझे घर में पसंद है एज यूजुअल, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो मैं पुरानी सी कढ़ाई यूज करती हूँ, उसके साइज की थी और वो काफी अच्छी थी। तो हमें वो अच्छी लगी थी, रेड कलर में वो थी भी, पर उसके बाद उसमें ब्लैक, उसका साइज भी आई थिंक ब्लैक ही था और रेड नहीं था। हाँ तो हमने वो तकरीबन ले ही ली थी, पर उसके बाद हम लोगों को ये अच्छा लगा। और ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जब आपको 3 पॉट्स मिल रही हैं और आपकी मामा आपको लेके दे रही हैं, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो इसके जो है वो 3 साइज़ हैं। थोड़ा मामा इसको करीब करना, ये देखें मैं आपको उसका बड़ा वाला साइज दिखाती हूँ। तो जी ये है इसका सबसे बड़ा साइज, और ये है उसके बाद उससे छोटा, और ये है छोटा। तो हम लोगों को ये क्यों इतना पसंद आया मैं आपको अब बताती हूँ। अब जो आजकल आ रहे हैं ना ये सारी पॉट्स, उसके जो है ये सारी जो हैंडल होते हैं ना वो प्लास्टिक के होते हैं। तो माँ बहुत यूज किए हैं ना प्लास्टिक, अक्सर खराब हो जाते हैं। इस बार मैं चाह रही थी कि ये ना हो ना, प्लास्टिक वाले हैंडल ना हो, तो मुझे ये बेहतर लगे, फिर मैंने ये ले लिए। तो इससे ये होगा कि इनको कोई नुकसान नहीं होगा। इसमें प्लास्टिक के होते हैं वो जल जाते हैं और वो खराब हो जाते हैं या वो उतर जाते हैं, तो वो जो है वो पॉट सही होती है उसका जो लुक है वो खराब हो जाती है। और इसका ये जो है ना, ये देखो प्लेटर भी ना इंडक्शन है, ये है, तो जैसे कम आग भी हो तो बन जाएगा खाना। तो ये हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मुझे बहुत शौक था ये लेने का। शुक्र है ये शौक पूरा हो गया और अब इसमें खाना बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तो बस यही मेरी बहुत एक्साइटेड थी इस चीज़ के लिए जो आपके साथ मैंने शेयर कर दी। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। और यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग, और फिर मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।